गुड मॉर्निंग क्लास 8, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट, हेल्दी एंड सेफ एट योर होम. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर 2. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम दैट इज ज्योग्राफी लेसन. यू ऑल नो व्हाट इज ज्योग्राफी. सब जानते हैं आप लोग की ज्योग्राफी क्या होती है, जिसे एक सब्जेक्ट भी है जिसे हम भूगोल कहते हैं. द लेसन इज चैप्टर और द पार्ट, तो भूगोल का पार्ट. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet अबव द ग्राउंड? हैव यू एवर सिट इन एरोप्लेन? आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं या आपने कोई ऐसी चीज़ की है लाइक पैराग्लाइडिंग, जहाँ से आप हमारी जो सिटी है उसे 10,000 ऊपर, मतलब स्काई से देखो कितना ऊपर, 10,000 feet अबव द ग्राउंड. नीटली प्लान्ड, आप देखेंगे कि जो हमारी सिटी वो एकदम नीटली प्लान्ड है एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन. और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जियोमेट्रिक डिज़ाइंस क्या होती हैं, उसी तरीके से एकदम परफेक्ट प्रपोर्शन में है, कहीं कुछ ज़्यादा या कम नहीं है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन थिक ऑफ इट. आपको ये एकदम से लगेगा ही नहीं कि ये इस एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बना हुआ है. हेयर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस देन कम टू हिज माउंड. सो द जुल्फिकर घोष इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम एंड ही हैज़ सम डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस सिटी. उन्होंने कुछ बताया है सिटी के बारे में एंड ही हैज़ सम क्वेश्चन इन हिज माइंड. और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस सिटी को देखकर, तो वी विल स्टार्ट विथ दैट. When the jet sprang into the sky, jet होता है बेटा एक तरीके का एयरक्राफ्ट, छोटा एरोप्लेन नहीं कहेंगे उसे, एयरक्राफ्ट छोटा. Sprang मतलब उड़ता है, leapt into the sky उड़ता है. It was clear why the city, ये एकदम clear स्पष्ट हो जाता है कि why the city had developed the way it had. ये एकदम clear हो जाता है कि ये जो city इस तरीके से बनी हुई है ये क्यों है. Seeing it scaled 6 inches to the mile, कहाँ से देखा उन्होंने, 6 feet ऊपर से, 6 मील ऊपर से देखा. There seemed an inevitably मतलब एक fact होता है जिसे हम avoid नहीं कर सकते, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम क्या नहीं कर सकते, avoid नहीं कर सकते, unavoidable situation. About what on ground had look absurd. Absurd का मतलब होता है random या फिर unorganized, अव्यवस्थित. Planned and without style. मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जमीन एक तरीके से अव्यवस्थित है, मतलब उसे बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया है ढंग से. But ऊपर से हम देखते हैं तो वो एक ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें क्या हैं, एकदम व्यवस्थित है. एक किसी ने एक प्लान करके, जो ऑथर के दिमाग में क्या आता है कि किसी ने कभी भी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले कितने सारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने कोई प्लान करके तो कोई चीज़ बनाई नहीं थी. बट जब हम ऊपर से किसी इसको देखते हैं हमारी सिटी को, तो ये एक तरीके से बिल्कुल प्लान्ड लगता है. तो यही एक जो राइटर है उसे फील हुआ, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट कहाँ गया, स्काई में गया. व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, पहले तो वो कहाँ था, 6 miles था, अब वो जब 10,000 feet ऊपर चला गया, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज. अब पहले तो सिटी थी, अब वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गई, कंट्री में. वाई द कंट्रीज हैज सिटीज, कि कंट्रीज़ में सिटीज़ क्यों हैं, मतलब देश में शहर क्यों हैं. वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पर क्या होती है, नदियाँ क्या होती है, बहती हैं. एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ पर इतनी लोग क्यों रहते हैं. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है हम लोग, तो यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन क्यों है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का लॉजिक है, द दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो लैंड है और वो वाटर है, जो क्या कर, वो क्या करते हैं, मैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. वॉज क्लियरली डी लाइनेटेड, डी लाइनेटेड होता है बेटा क्लियरली शोन.
मून, मतलब ये क्लियरली दिखाई देता है जब हम ऊपर जाते हैं 10,000 अबव, ये क्लियरली दिखाई देता है कि वाई मैन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड लैंड एंड वाटर. यू यूजली आपको भी सबको समुद्र और ये सब पसंद है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पहले आपने पढ़ा होगा सिविलाइजेशन थी, उनसे क्या डेवलप होने लगी, सिटीज डेवलप होने लगी. When the jet rose 6 miles high, फिर जब 6 miles high above the ground it went, it was clear that the earth was round. और इससे क्या पता चला कि अर्थ कैसी है, गोल है. And it had more sea than land. आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर लैंड से ज़्यादा क्या है, पानी है. हमारे जो more than half of the portion of the earth is covered with water. हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे कवर्ड है हम, वाटर से. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इसे समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. बट इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को क्या मिल जाता है, एक दूसरे को हेट करने का नीम कॉज, मतलब रीज़न मिल जाता है. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल. आपने देखा होगा शहरों में भी आपस में क्या हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं. तो लोगों जब हम लोग क्या करना रीजन ढूंढ ही लेते एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए. फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सब कुछ आपको क्या लगेगा, एक जैसा ही लगेगा. आप कंट्रीज में देखेंगे एक कंट्री दूसरे कंट्री की दुश्मन है, बट जब हम एक इसको ऊपर से देखेंगे दिस मीन्स कि गॉड ने हमें डिवाइड नहीं किया. जब हम किसी भी चीज को ऊपर से एज अ होल देखते हैं तो वो चीज एकदम एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती. ये किसने बनाया, किसने डिवाइड किया है इसे, हमने इसे डिवाइड किया है. ये अपने आप डिवाइड नहीं हुए हैं. एक दूसरे से हम क्या करते हैं, हेट करते हैं, वी हेट ईच अदर, हम एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं. ये सब हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर वन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. डू द ग्लॉसरी एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. थैंक यू.